Welcome in your online class. Today we will learn class 3rd का subject math और chapter है 13 smart chart. तो इस chapter से हम कल कुछ part 1 में अपना कुछ question solve किए थे and कुछ question आपको solve करने के लिए बोला गया था, तो आपने भी solve किया हुआ कुछ questions है ना. अब next page number 184 से आते हैं, देखते हैं आप इस चार्ट को बनाकर है ना, गेटिंग स्मार्ट विथ चार्ट्स. तो यहाँ पर कुछ चार्ट दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट प्रेजेंट, स्टूडेंट एब्सेंट है ना. तो आपने भी देखा होगा यहाँ पर डेट भी दिया हुआ 8 फरवरी 2007 है ना. तो आपके भी देखा होगा आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट प्रेजेंट रहते हैं, कुछ स्टूडेंट एब्सेंट रहते हैं है ना. तो उसको कैसे अपन चार्ट के रूप में देख सकते हैं, बना सकते हैं ना. तो देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5. तो हम क्या करेंगे, ये जो ये है इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे इस खाने में है ना. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, इसको ऐड करने पर हम इसको ऐड करते हैं इन पांचों को, तो ऐड करने पर हमारा आता है 121 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं. एंड स्टूडेंट प्रेजेंट, तो स्टूडेंट प्रेजेंट कितने हैं, तो स्टूडेंट प्रेजेंट करने हैं तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो ऐड करने पर हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट कितना आया, 5 to 7 1 8 8 8 16 109. कितना आता है, 109. ओके, नेक्स्ट एब्सेंट स्टूडेंट. कुछ स्टूडेंट क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं. तो एब्सेंट स्टूडेंट को काउंट करेंगे क्लास 1 में कितने एब्सेंट हैं, 2, एंड क्लास 2 में 1, क्लास 3 में 3, एंड क्लास 4 में 4 स्टूडेंट एब्सेंट, एंड क्लास 5 में 2 स्टूडेंट एब्सेंट. तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए ये 12 स्टूडेंट एब्सेंट हैं. तो आप याद करिए 121 स्टूडेंट टोटल नंबर है, एंड 109 प्रेजेंट स्टूडेंट, एंड 12 स्टूडेंट क्या हैं, एब्सेंट हैं. तो आइए इसको चार्ट के रूप में, ये चार्ट हमारा बन गया है ना. अब इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. दिस बोर्ड शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास, इट आल्सो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट एंड एब्सेंट है ना. ये क्या हमारा प्रेजेंट और एब्सेंट नंबर को शो कर रहा है. तो क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रेन इन ऑल आर देयर इन द स्कूल. तो टोटल स्कूल में कितने बच्चे हैं, टोटल स्कूल में कितने बच्चे हैं. तो हम यहाँ पर कितना था, 121 है ना, 121. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 121 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 121. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रेन इन ऑल आर एब्सेंट ऑन दैट डे. और इस दिन कितने स्टूडेंट एब्सेंट हुए है ना. तो कितने स्टूडेंट एब्सेंट हुए, एब्सेंट स्टूडेंट हैं 12. तो यहाँ पर क्या हम क्या लिखेंगे, एब्सेंट स्टूडेंट 12. ओके, तो इस तरह आप अपने बुक में क्वेश्चन को सॉल्व करिए. एंड अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके लिए एब्सेंट स्टूडेंट चार्ट. तो एब्सेंट स्टूडेंट के लिए एक चार्ट बनाया गया है, और इस चार्ट में कुछ स्टूडेंट क्या है, एब्सेंट है. तो उनको क्या करते हैं, देखते हैं हम इस चार्ट के रूप में है ना, कितने एब्सेंट स्टूडेंट हैं. तो क्लास वन में कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, 2 स्टूडेंट एब्सेंट, ये एब्सेंट स्टूडेंट को शो कर रहा है ये लोग है ना. नेक्स्ट क्लास 2 में 1 स्टूडेंट, क्लास 3 में 3 स्टूडेंट, एंड क्लास 4 में 4 स्टूडेंट, एंड क्लास 5 में हम 2 लोगों बना लेते हैं तो 2 स्टूडेंट एब्सेंट. इस तरह क्लास 1, 2, 3, 4, 5 में स्टूडेंट एब्सेंट हैं है ना. तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज ए चार्ट टू शो द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट, ईच एब्सेंट स्टूडेंट इज शोन बाय है ना. तो इस तरह ये क्या चार्ट बनाया हुआ है, ये एब्सेंट स्टूडेंट का चार्ट बना हुआ है. जैसे हमने देखा ना कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, तो उसका चार्ट बना है. क्लास 1 में 2, क्लास 2 में 1, क्लास 3 में 3 स्टूडेंट, क्लास 4 में 4 स्टूडेंट एब्सेंट, एंड क्लास 5 में 2 स्टूडेंट एब्सेंट हैं टोटल है ना.
तो इस तरह क्वेश्चन है, इन द चार्ट शो द एब्सेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास फाइव। तो क्लास फाइव के लिए हम क्या बना देंगे, टू पिक ड्रॉ कर देते हैं। नाउ लुक एट द चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब चार्ट को देख करके हमको ये जो ब्लैंक्स है, खाली जगह है, तो उसको क्या करना है, फिल करना है, है ना। तो इसको चलिए फिल करते हैं। आप अपने बुक में चार्ट देखेंगे पेज नंबर 184 में, हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, द क्लास विथ द हाइएस्ट नंबर ऑफ एबसेंट स्टूडेंट इज। तो कौन से क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एबसेंट हैं, तो इसके लिए क्लास फोर। कौन सा क्लास है, वो है क्लास फोर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्लास फोर, है ना। नेक्स्ट, द क्लास विथ द लीस्ट नंबर ऑफ एबसेंट स्टूडेंट इज। और सबसे कम कौन से क्लास में एबसेंट है, सबसे कम एबसेंट है क्लास टू में। किस क्लास में है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास टू, है ना, CLASS क्लास टू। एंड क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर सी, द क्लास विथ थ्री स्टूडेंट एबसेंटेज। तो ऐसे द क्लास विथ थ्री स्टूडेंट एबसेंट, कौन से क्लास में तीन स्टूडेंट एबसेंट हैं, वह है क्लास थ्री। क्लास थ्री में टोटल कितने स्टूडेंट एबसेंट हैं, थ्री स्टूडेंट एबसेंट हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर डी में चलते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एबसेंट इन क्लास फोर एंड क्लास फाइव आर। क्लास फोर में फोर एंड क्लास फाइव में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एबसेंट हैं, टू। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज योर हैंड। आपका हाथ कितना लंबा है, है ना। मेक ए ग्रुप ऑफ फोर फ्रेंड्स। आप एक फोर फ्रेंड्स, चार दोस्तों का एक ग्रुप बनाइए, है ना। कट स्ट्रिप्स फ्रॉम वेस्ट पेपर, द स्ट्रिप्स शुड बी ऑफ द सेम विड्थ। आपको पेपर से क्या करना है, स्ट्रिप्स काटना है ना। स्ट्रिप्स आप काट लेंगे पेपर से सेम विड्थ का। मेजर द लेंथ ऑफ इज स्टूडेंट्स हैंड विथ द पेपर स्ट्रिप। कट द स्ट्रिप एंड राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। और उस स्ट्रिप से क्या करना है, आपको प्रत्येक जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर उनके हाथों की लंबाई नापना है, और जैसे उनके हाथों की लंबाई हो जाए तो उस स्ट्रिप्स को उतना काट देना है बराबर, है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मिट्टू है और यहाँ पर कई लोग हैं, गुरविंदर, बिंदी, हरी, नैन्सी, श्रीवी, अनीता, पीथू, रीनू, नैन्सी, है ना, ये सब लोग स्ट्रिप्स को काट लिए हैं। देखिए, चलो क्वेश्चन में चलते हैं। रोहन, जैकब एंड गीता आल्सो मेजर्ड देयर हैंड्स, दे स्ट्रक देयर स्ट्रिप एज सोन। तो रोहन, जैकब और गीता जो हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने हाथों को मेजर करते हैं। और देखिए वो कैसे मेजर कर रहे हैं, लेंथ ऑफ हैंड, हाथ की लंबाई। रोहन के हाथ की लंबाई हम चार्ट के रूप में देखते हैं, तो रोहन के हाथों की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। गीता के हाथों की लंबाई 9 सेंटीमीटर एंड जैकब के हाथों की लंबाई 10 सेंटीमीटर। ये देखिए स्ट्रिप्स हैं ना, ये इतने इतने स्ट्रिप्स काट दिए हैं। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर पिक्चर को देख करके हमको क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। द लेंथ ऑफ जैकब्स हैंड इज मोर आर लेस देन गीता हैंड। तो जैकब का हाथ गीता के हाथ से लंबा है या लेस है, मतलब ज़्यादा है या कम है, बताइए। तो ये क्या है, मोर मतलब ज़्यादा है ना। गीता का है 9 सेंटीमीटर एंड जैकब का है 10 सेंटीमीटर। सो जैकब्स हैंड इज मोर देन गीता हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर, द लेंथ ऑफ गीता हैंड इज देन रोहन्स हैंड। तो गीता का हाथ रोहन के हाथ से मोर है या कि लेस है, ये भी क्या है, गीता का हाथ क्या है, ज़्यादा है। तो इसके लिए हम ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, मोर, है ना। तो यहाँ पर आप ब्लैंक्स को फिल करिएगा मोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं, हैज़ द लॉन्गेस्ट हैंड। तो किसका हाथ सबसे बड़ा है, ये है जैकब का हाथ। किसका हाथ, जैकब, यहाँ पर आप लिखेंगे जैकब, है ना। जैकब हैज़ द लॉन्गेस्ट हैंड। एंड क्वेश्चन नंबर डी, हैज़ द शॉर्टेस्ट हैंड। सबसे और छोटा हाथ किसका है, सबसे छोटे हथेली है रोहन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, रोहन,
रोहन हैज द शॉर्टेस्ट हैंड। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना। इन द चार्ट बिलो स्टिक द स्ट्रिप ऑफ ऑल द फ्रेंड्स इन योर ग्रुप, कीप सम स्पेस बिटवीन द स्ट्रिप्स। तो इस चार्ट में आप अपने दोस्तों के हाथ जो भी स्ट्रिप्स काट कर बनाएंगे, तो आप इस तरह इस चार्ट में आप फिल करिए, है ना। ऐसे स्ट्रिप्स बनाइए, कितने सेंटीमीटर, कोई 9, कोई 12, कोई 13, कोई 5 सेंटीमीटर, इस तरह आप स्ट्रिप्स काट के इसमें बना सकते हैं। और आए क्वेश्चन जो हैं, इसी तरह आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वे ऑफ कमिंग है ना, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें सेंड करिए। इसमें क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर एक पिक दिया हुआ है, इसमें कोई बस से ट्रैवलिंग कर रहा है, कोई रिक्शे से, कोई वॉक करते हुए, है ना, और कोई बाइसाइकिल से। तो इस तरह आप यहाँ पर ट्रैक्टर, बाइसाइकिल, बस, ये डिब्बे में बनाएंगे, ट्रैक्टर, बाइसाइकिल, बस, और इतने नंबर आप स्टूडेंट्स लिखेंगे, ये कितने नंबर आप स्टूडेंट्स इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। फिर आपको शो करना है, जैसे आपने लिखा है बस, ट्रैक्टर, बाइसाइकिल, रिक्शा, ऑन फुट, तो बस से जितने नंबर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके क्या करना है, फेस बनाना है इसी तरह, इस 1, 2 है ना, 2, 1 अगर है तो 1 और 2 है तो 2, जितने हैं तो उतने बनाना है। नेक्स्ट बाइसाइकिल, बाइसाइकिल में जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको उनके ट्रैक्टर का तो दिया हुआ है 3, है ना, तो इस तरह आप बाइसाइकिल का देखेंगे, बाइसाइकिल में जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके भी फेस आप बनाएंगे। और नेक्स्ट रिक्शा एंड ऑन फुट, और जो रिक्शे में ट्रैवल कर रहे हैं उनके, और जो फुट में पैर से अपने ट्रैवल कर रहे हैं उनके भी आप फेस बनाएंगे। और इस तरह आगे क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके आप सेंड करिए, जिसमें इसमें अगर कोई परेशानी हो तो हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।